हे गाइस वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं दो एम्फीबियस प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करके दोनों के बीच में फाइट कराने वाला हूं। सबसे पहले अपना जो प्रोडक्ट है ये है एक एम्फीबियस प्रोग्रामिंग ड्रिफ्ट क्लाइंबिंग कार, पूरी तरीके से जमीन पर और पानी पर चल सकता है। इसका जो डिजाइन है ना भाई, पूरी तरीके से केकड़े की तरह बना हुआ होता है। क्रैब आपको पता ही होगा गाइस, पानी के अंदर भी चल सकता है, जमीन पर भी चल सकता है। तो भाई उसी तरह से इन लोगों ने इसको जो है डिजाइन किया हुआ है। तो भाई अपनी दूसरी वाली चीज तो आपको पता ही होगा, बहुत ज्यादा फेमस है ये चीज अपने चैनल पर। तो भाई रियल में तो शार्क जो है जमीन पर नहीं चल सकती है, पर ये वाली जो शार्क है ना यार, पानी पर भी चल सकती है और जमीन पर भी चल सकती है। तो चलो गाइस फटाफट से पहले अपन अनबॉक्स करते हैं अपनी एम्फीबियस प्रोग्रामिंग ड्रिफ्ट क्लाइंबिंग कार को। इसको मैंने खरीदा था बैंगूट से 2500 रुपीस में। अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हो तो वीडियो पर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में आपको एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। तो भाई ये है इसका रिमोट। रिमोट भाई काफी ज्यादा सही क्वालिटी का लग रहा है मेरे को। तो भी इसके अंदर से जो एम्फीबियस अपनी कार है, केकड़े वाली कार, इसको भी निकाल लेते हैं गाइस फटाफट से अपन बाहर। ये देखो गाइस आ चुकी है अपनी केकड़े वाली कार। ओ माय गॉड, इसका डिजाइन तो देखो भाई, बिल्कुल एक केकड़े की तरह ही दिखाई देती है। और इसके व्हील्स तो देखो भाई, एकदम खतरनाक से व्हील्स दे रखे हैं लोगों ने। फिलहाल अपन इसको रखते हैं साइड में। इसके साथ हमें मिलता है ये वाला चार्जर और ये वाली बैटरी। बैटरी भाई इन लोगों ने बहुत ज्यादा कमजोर दे रखी है इसके अंदर, तो अपन बैटरी अपग्रेड करके चलाएंगे इसको। तो इसको रखते हैं साइड में। तो भी अपना दूसरा वाला प्रोडक्ट भी अनबॉक्स करते हैं। इसका जो स्केल मॉडल है 1:16 है। तो भाई बहुत ज्यादा बड़े साइज की है ये एम्फीबियस हाइब्रिड शार्क। देखो इस तरह के बक्से में मिलती है हमें। तो चलो फटाफट से इसको भी जो है अपन बॉक्स के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं गाइस फटाफट से, फिर चलेंगे बाहर तालाब के पास दोनों के बीच में फाइट कराने के लिए। देखते हैं भैया शार्क जीतेगी या फिर अपनी केकड़े वाली कार। तो ये जो ऊपर है इसको हटा देते हैं, काफी बढ़िया पैक कर रखा है इन लोगों ने। तो ये है देखो गाइस अपनी एम्फीबियस शार्क, एकदम हस्ती खिलती हुई शार्क है। देखो इतने बड़े बड़े टीथ से दिखा रही है आप लोगों को। यार इसी बात पर वीडियो पर लाइक तो ठोक दो। तो भाई ये है देखो, इसके साथ भी सेम बैटरी मिलती है यार, एकदम नॉर्मल छोटी सी बैटरी दे रखी है इन लोगों ने। यहाँ पे है इसका चार्जर और ये है इसका रिमोट। रिमोट की क्वालिटी जो है ना गाइस, मेरे को उतनी खास लगी नहीं इसकी। दोस्तों दोनों को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों की जो लेंथ है सेम टू सेम है। दोनों की हाइट भी देखो गाइस बिल्कुल सेम टू सेम दी गई है। अगर वेट की बात करूं मैं, ये केकड़े वाली कार जो है ना भाई, इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा वजनदार है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी एक नंबर बिल्ड किया है इन लोगों ने। इसके अंदर देखो सामने की ओर पीछे की तरफ टोटल 4 शॉक एब्जॉर्बर्स भी दिए हुए हैं, ताकि ये जो कार है ना भाई जमीन पर भी काफी खतरनाक तरीके से चल सके। अंदर की तरफ देखो भाई ड्राइवर वगैरह भी बैठे हुए हैं। ऊपर की जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी बहुत ज्यादा सॉलिड है, पूरी तरीके से स्क्रूज वगैरह फिट करके रखा है इन लोगों ने। इसकी सबसे अनोखी चीज है इसके व्हील्स। देखो भाई एक स्क्रू होता है ना गाइस, उसी तरह का इन लोगों ने इसके अंदर डिजाइन कर रखा है। ये है अपनी शार्क, इसकी भी जो बिल्ड क्वालिटी है ना भाई बहुत ज्यादा सॉलिड है। आप इसको कितनी भी ऊपर से फेंकोगे गाइस टूटेगी नहीं, क्योंकि इसके ये जो व्हील्स है ना भाई सारा का सारा रेजिस्टेंस झेल लेते हैं। बहुत ज्यादा सॉलिड व्हील्स बनाए इन लोगों ने। देखो गाइस मेरे को तो ऐसा लगता है कि देखकर ये पूरी तरीके से इन लोगों ने बॉल को ही चिपका रखा है। अपने जो टेनिस बॉल्स होते हैं ना गाइस, उसी तरह के बॉल्स मेरे को ये लगते हैं देखने पर इसके ऊपर जो ग्रिप है ना भाई, इन लोगों ने काफी ज्यादा कमाल की बनाई है। देखो ताकि इसको पानी पे भी चलने में कोई दिक्कत ना हो और जमीन पर भी चलने में कोई भी दिक्कत ना हो, पूरी तरीके से रबर के बने हुए हैं। देखो मैं इसको यहाँ पर आपको प्रेस भी करके बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉलिड मटेरियल से इन लोगों ने इसको बनाया है। नीचे है बैटरी कंपार्टमेंट, ये भी जो है ना भाई डबल प्रोटेक्शन के साथ आ जाता है। यहाँ पर देखो इसका ऑन ऑफ स्विच है, इसको भी भाई इन लोगों ने काफी बढ़िया तरीके से रबर वगैरह लगा के रखा है। अगर दोनों की मैं लुक्स की बात करूं तो गाइस दोनों में से मेरे को लुक्स के मामले में ये जो शार्क है ना भाई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है। अपनी कार भी कुछ कम नहीं है भाई, देखते ही लोग जो है ना भाई इसको पूछने लगते हैं कि कहां से हमने इसको खरीदी है। तो रिमोट की बात कर लेते हैं। रिमोट देखो गाइस दोनों के जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसका रिमोट जो है ना भाई एकदम तगड़ी क्वालिटी का है और बहुत ज्यादा हैंडी भी है। अपनी शार्क का जो रिमोट है ना भाई, कहीं से भी देखो गाइस इससे मिलता जुलता इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बनाया है। ये रिमोट लगता है भाई किसी दूसरी कार का है, इतनी बेकार क्वालिटी इन लोगों ने इसके अंदर बना रखी है। ट्रिगर्स वगैरह की क्वालिटी तो काफी मस्त है। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं अपन लोग बाहर, कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं जमीन पर कौन जीतेगा और पानी पर कौन जीतेगा। लेट्स गो एंड
फाइट। दोस्तों मैं आ चुका हूँ तालाब के पास। दोनों को तालाब के अंदर जंप कराते हैं और कराते हैं दोनों के बीच में रेस। देखते हैं गाइस शार्क जीतेगी या फिर अपनी एम्फीबियस कार। दोनों के बीच में अभी तगड़ी वाली रेस होने वाली है। देखो गाइस अपनी जो शार्क है ना भाई पानी के ऊपर काफी जबरदस्त तरीके से चल रही है और अपनी एम्फीबियस के पीछे पीछे जा रही है। तो भाई यहाँ पे पानी के ऊपर चलने के मामले में शार्क जो है क्लियरली विनर है। दोनों की जमीन पर टेस्ट कराते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन जीत पाता है। अपनी एम्फीबियस कार जो है भाई बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही है, देखो केकड़े की तरह, और यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी एम्फीबियस कार। पानी के अंदर दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं गाइस, देखते हैं यहाँ पर कौन जीत पाता है। तो भाई यहाँ पे दोनों को देखो मैंने एक रस्सी से बांध दिया है, दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई चालू हो चुकी है। और भाई स्लो मोशन में तो दोनों देखो क्या ही एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं। तो भाई देखते हैं यहाँ पे कौन जीत पाता है। तो भाई यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि अपनी शार्क जो है क्लियरली जीत रही है। देखो गाइस शार्क ने भाई इसको पूरी तरीके से धो डाला है पानी के अंदर। क्लियरली विनर अपनी एम्फीबियस शार्क है। सेम टग ऑफ वॉर कराते हैं जमीन पर, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अपनी एम्फीबियस कार जीत पाती है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट हो चुकी है दोनों के बीच में लड़ाई। और भाई यहाँ पे देखो अपनी शार्क जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको घुमा घुमा रही है भाई एकदम से। देखो गाइस क्या ही उठा उठा के फेंक रही है इसको, और भाई काफी ज्यादा घसीट कर लेके जा रही है। क्लियरली विनर है जमीन पर भी अपनी एम्फीबियस शार्क। वेट कैरी टेस्ट करके देख लेते हैं। एम्फीबियस कार के ऊपर मैंने रख दिया एकदम भारी भरकम सी टैंक, देखते हैं इतना वेट ये ले जा पाती है कि नहीं। ओ भाई देखो यार एकदम केकड़ी की तरह ये इसको इतना ज्यादा वेट काफी आसानी से लेके जा रही है। तो भाई काफी वेट कैरी कर सकती है अपनी एम्फीबियस कार। इधर देखो गाइस शार्क के पीछे मैंने कार बांध दी है, कार के ऊपर एक टैंक भी रख दी है। तो देखते हैं इतना ज्यादा वेट अपनी शार्क जो है खींच पाती है कि नहीं। तो भाई देखो इतना ज्यादा वेट बहुत ज्यादा इजी तरीके से अपनी जो शार्क है ना भाई पुल कर सकती है, क्योंकि इसके व्हील्स में जो है भाई बहुत ज्यादा खतरनाक सी ग्रिप मिल जाती है। यहाँ पर दोनों के बीच में रेंज चेक करके देख लेते हैं दोनों कितनी दूर तक जा पाती है पानी के ऊपर। अपनी शार्क जो है आगे जा रही है, पीछे पीछे अपनी एम्फीबियस कार भी जाए जा रही है। देखो गाइस दोनों की रेंज जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, 50 मीटर तक दोनों को आप पानी के ऊपर चला सकते हो। यहाँ पर कार के अंदर मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, इसको कनेक्टिविटी होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। तो यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी एम्फीबियस शार्क। ये जो अपनी शार्क है क्या क्या मेन चीजें कर सकती है पानी के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, इसके क्या क्या मेन फीचर्स है वो बता रहा हूँ। देखो गाइस ये जो है राउंड इस तरह से घूम सकती है, इसकी स्पीड भी जो है भाई काफी ज्यादा बढ़िया है, आप इसे आगे चला सकते हो पीछे चला सकते हो और इस तरह से फ्लिप मारकर उल्टा भी चला सकते हो। देखो गाइस यहाँ पर मैं आपको उल्टा भी चला के बता रहा हूँ, और उल्टा होकर ये इस तरह से घूम भी जाती है 360 डिग्री। यहाँ पे देखो मैं आपको स्लो मोशन में भी बता रहा हूँ इस तरह से जो है अपनी शार्क फ्लिप वगैरह भी मार सकती है। तो भाई ये देखो मैं आपको यहाँ पे एक और बार बता रहा हूँ। अभी अपनी कार के मेन मेन फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर मैंने अभी अभी बैटरी अपग्रेड की है। देखो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि इसकी स्पीड जो है ना भाई थोड़ी सी बढ़ चुकी है, और अपनी कार जो है 360 डिग्री बहुत ज़्यादा स्पीड से घूम भी सकती है। आगे भी थोड़ा सा भी स्पीड इसकी बढ़ चुकी है। अभी देखो गाइस इसके अंदर जो है एक ही चीज़ें कर सकती है 360 डिग्री आसानी से मार सकती है, फ्लिप वगैरह नहीं मार सकती है। तो भाई इसके जो व्हील्स है ना बड़े ही कमाल के लगते हैं। अपनी जो शार्क है जमीन पर भी काफी मस्त तरीके से चल सकती है। देखो गाइस इसकी स्पीड जो है भाई ठीक ठाक ही है जमीन पर, और ये जो है 360 डिग्री भी मार सकती है जमीन पर चलाने पर। एम्फीबियस कार जो है जमीन पर काफी बढ़िया तरीके से चल जाती है, बिल्कुल एक केकड़ा चलता है ना गाइस, बिल्कुल उसी तरह से ये साइड बाय साइड चलने लगती है। देखो अगर आप इसको फ्रंट साइड से चलाने की कोशिश करोगे ना गाइस तो बिल्कुल भी ये नहीं चल पाएगी। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ गाइस आपको एम्फीबियस कार पसंद है या फिर एम्फीबियस शार्क। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है स्वरूप, साहिल, अंशुमन दास, सपनील, नारायण दास, अंबुज यादव, पार्थो ठाकुर, युगल गोयल, महावीर, शौर्य राव। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार आरसी फाइट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।